तो दिस क्वेश्चन नंबर फोर, जिसमें दिया क्या है, अ पिगी बैंक कंटेन 150 पैसे कॉइन। तो 100 है अपने पास, 50 पैसे कॉइन, ठीक है, और 50 है 1 रुपी कॉइन, ठीक है, 50 है अपने पास 1 रुपी कॉइन, ठीक है, 20 है 2 रुपी कॉइन्स, 20 हो गए अपने पास 2 रुपी कॉइन, ठीक है, और 10 5 रुपी कॉइन, 10 5 रुपी कॉइन, ठीक है। तो एक पर्स में इतने पैसे हैं, ठीक है। इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट ऑफ द बैंक इन टर्न्ड अपसाइड डाउन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी 50 पैसा कॉइन, ठीक है। तो ऐसा क्या है, इन सारे कॉइन्स को निकालने की प्रोबेबिलिटी सेम है, ठीक है। तो टोटल कॉइन्स कितने हो गए, टोटल कॉइन्स हो गए अपने पास 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10, 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10, तो ये हो गए अपने पास 180, ठीक है। अब अपन को 50 पैसा कॉइन निकालना है, तो 50 पैसे कॉइन कितने हैं अपने पास, 100, तो अपने प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 100, और नंबर ऑफ टोटल आउटकम है 180, तो ये हो जाएगा 5/9, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड पार्ट इसका, नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन, तो 5 रुपी कॉइन नहीं होना चाहिए और सारे सारे हो जाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 1 माइनस नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। 1 माइनस क्यों किया, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1, ठीक है, 1 से बड़ी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, ठीक है। तो अगर मैं टोटल प्रोबेबिलिटी में से ये जो 5 रुपी कॉइन निकालने वाली प्रोबेबिलिटी उसको हटा दूंगा, तो अपने पास आ जाएगी फेवरेबल प्रोबेबिलिटी। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 5 रुपी कॉइन कितने हैं, 10, तो ये जाएगा 10, और टोटल कॉइन कितने हैं, 180, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/18, विच इज फर्दर इक्वल टू 17/18, तो 17/18 हो गया अपना रिक्वायर्ड आंसर।